आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। भारत में बीते 24 घंटों में आए 74,000 संक्रमण के नए मामले, 76,000 लोग हुए हैं ठीक, 903 लोगों की हुई है कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में मौत। कोरोना संक्रमण अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से भारत में फैल रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 74,442 कोरोना के मामले दर्ज किए हैं, जबकि 76,737 लोग कोरोना से ठीक होकर घर गए हैं। हालांकि 903 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,23,000 हो गई है। इनमें 1,02,785 लोगों की मौत अभी तक भारत में हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या भारत में घटकर 9,34,000 हो गई है। कुल 55,86,000 लोग ठीक भारत में हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भारत में करीब 6 गुना ज्यादा है। वही ऐसे मार्ग के मुताबिक 4 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 7,99,00,000 टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 10,00,000 टेस्ट कोरोना टेस्ट की सैंपलिंग कल की गई थी। वही पॉजिटिविटी रेट भारत में करीब 7% है। वही राहत की बात यह है कि मृत्यु दर एक्टिव केस की रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में मृत्यु दर गिरकर यहाँ पर 1.55% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर भारत में 14% पर आ गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भारत में 84% पर है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है। वही देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र लगातार कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाला राज्य अभी भी बना हुआ है। यहाँ 14,00,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जो भारत में एक राज्य में आए सबसे ज़्यादा मामले हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है और कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भारत का पहला स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का यहां पर तीसरा नंबर है। आरबीआई का बड़ा बयान, करेंसी नोट से भी फैल सकता है कोरोना वायरस। अगर आप ये सोचते हैं कि करेंसी नोट से कोरोना वायरस संक्रमण नहीं फैल सकता है तो आप गलत हैं। दरअसल आरबीआई ने साफ कर दिया है कि करेंसी नोट द्वारा किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया या वायरस फैल सकता है, इसलिए करेंसी का उपयोग की बजाय लोगों को डिजिटल भुगतान को अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। वही यहाँ पर CAIT द्वारा भेजे गए एक सवाल के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक मेल में अप्रत्यक्ष रूप से ये बात कही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि लोगों को करेंसी नोट के स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल भुगतान को उपयोग में लाना चाहिए। वे खबरों के मुताबिक इससे पहले 9 मार्च को यहाँ पर CIT ने यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लेकर पूछा कि क्या करेंसी नोट से बैक्टीरिया या वायरस वाहक या फैल सकता है या नहीं। इसके लिए उन्होंने मंत्रालय को से लेटर RBI को भेज दिया गया था। RBI ने यहाँ पर CIT को संकेत देते हुए जवाब दिया कि करेंसी नोट बैक्टीरिया और करेंसी नोट से यहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस के वाहक ये हो सकते हैं, जिसमें कोरोना वायरस भी शामिल है। इसलिए जिससे इसे बचने के लिए डिजिटल भुगतान को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वही CAIT को 3 अक्टूबर 2020 को भेजे गए इस जवाब में RBI ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को सीमित करने के लिए लोग अपने घरों से ही सुविधापूर्वक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और कार्ड इत्यादि जैसे ऑनलाइन चैनल्स के माध्यम से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और करेंसी का उपयोग करने अथवा ATM से नकदी निकालने से बच सकते हैं। इसके अलावा कोरोना पर अधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना की जानी आवश्यक है। वही CAIT द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतिया ने यहाँ पर राष्ट्रीय सचिव प्रवीण खेडलिया के मुताबिक उन्होंने जवाब में ये बताते हैं कि डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बयान में ये भी कहा गया कि डिजिटल लेनदेन के लिए लगाए गए बैंक चार्ज को माफ़ किया जाना चाहिए और सरकार को बैंक चार्ज के बदले बैंकों को सीधा सब्सिडी देनी चाहिए। ये सब्सिडी सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं डालेंगे बल्कि ये नोटों की छिपाई पर होने वाले खर्च को कम कर देगी। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के चुनाव पर फिर मंडराए संशय के बादल। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है गहलोत सरकार। राजस्थान के जयपुर और जोधपुर कोटा के 6 नगर निगमों के चुनाव के समय पर होंगे या नहीं, इस बात पे एक बार भी एक संशय का सवाल हो गया है। इस पर एक बार फिर से संशय के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि राज्य सरकार ने अपने नगर निगम चुनाव को टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ही सरकार को चुनाव टालने की याचिका को खारिज कर दिया था और 31 अक्टूबर तक पूर्व नियत समय पर यहां पर चुनाव कराने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने कोरोना की आड़ में चुनाव टलवाने की तैयार लिए सरकार प्रयासरत है। वहीं सरकार को आशंका है कि इस समय चुनाव दृष्टिकोण से पार्टी माहौल के फेवर में नहीं है, लिहाजा से मार्च तक ये चुनाव यहाँ पर टलवा दिया जाए। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर, जोधपुर और कोटा की सभी 6 नगर निगमों के चुनाव कराने संबंधी 3 जिलों के कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्हें चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां शुरू कराने को कह दिया है। वह सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही कोई आदेश नहीं मिला तो आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। वह किसी मतदान केंद्र पर 900 से ज्यादा मतदान नहीं हो इसके लिए भी कलेक्टर या साइट से मतदान केंद्र बनाने को कहा गया। वही सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने चुनाव टलवाने के लिए अपील पेश तो कर दी है, लेकिन अभी तक सुनवाई के लिए तारीख तय नहीं हुई है। 1-2 दिनों में सुनवाई की तारीख तय होने की उम्मीद की जा रही है। वही प्रदेश की गहलोत सरकार भले ही 3 नगर निगमों में चुनाव टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हो, लेकिन देश के शीर्ष अदालत से राज्य सरकार को झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखने का आदेश दे सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जब प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं तो फिर 3 नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं करवाए जा सकते, इसमें दिक्कत क्या है। वही UDH मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि जयपुर और जोधपुर में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में यहाँ फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपना काम पूरा करे। वही दूसरी ओर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले को यथावत अगर रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार की सौगात, सीधे बैंक में ट्रांसफर होंगे 51,000 रुपये। उत्तराखंड की सरकार ने बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए कई योजना चलाई है। इन योजनाओं में से एक योजना नंदा देवी कन्या योजना है। ये लड़कियों के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत गरीब परिवार की लड़कियों को यहाँ पर आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। वही प्रदेश सरकार अब इस नई योजना द्वारा लड़कियों के जन्म से लेकर उसकी शादी तक के लिए पैसा सरकार देगी, जिससे वह अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त वो कर सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनवरी 2018 में इसकी शुरुआत की थी। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2017 से पहले नंदा देवी कन्या धन योजना और गोरा देवी कन्या योजना के नाम से 2 अलग योजना भी थी। इसे अब नंदा गोरा योजना जनधन योजना का नाम से कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में ये योजना से कैसे फायदा उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लड़की के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 51,000 रुपये दिए जाएंगे। वही 7 किस्तों में जन्म से लेकर शादी होने तक यहाँ पर दिए जाएंगे। ये पैसा सीधा लड़की के खाता में ही ट्रांसफर होगा। वही इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग अनुपात को ठीक करना और अभी भी देश प्रदेश में लड़कों की अपेक्षा में लड़कियां संख्या कम होती है। लड़कियों के शोषण को कम करना भी इस योजना का उद्देश्य है। देश में बहुत कुप्रथा चलती है, जिसके चलते लड़कियों को कम उम्र में शादी कर दी जाती है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता। ये सब परिवार की आर्थिक तंगी के कारण भी होता है। इस योजना के चलते लड़कियों के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वो लड़कियों को अपने पर बोझ ना समझे। युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। केंद्र की मोदी सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख नए जन सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 से 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जन सेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसी के साथ ही राज्य सरकार यहां पर जन सेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 4 रुपये की जगह 11 रुपये करने का यहाँ पर फैसला किया है। वही CSC देश के सभी राज्यों में PP मॉडल पर काम करती है। जन सेवा केंद्र पर कई तरह के काम किए जाते हैं। अगर आप भी जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद लाइसेंस आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि हालांकि वर्षों में यहाँ पर गरीब लोगों को सरकार की कई योजनाओं का पता और लाभ जन सेवा केंद्रों के माध्यम से मिल पा रहा है। आधार कार्ड बनाने से लेकर अपडेट कराने का काम हो या फिर बैंक से ट्रांजेक्शन या फिर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जन सेवा केंद्र के माध्यम से ही मिलता है, जिसके साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवासीय जागृति प्रमाण पत्र और जनगणना और आर्थिक जनगणना सहित कई तरह के कार्य भी जन सेवा केंद्र के जरिए कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी आलोक कुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में PPP मॉडल
पर 63,119 जनसेवा केंद्र चल रहे हैं। अगले कुछ महीनों में पूरे प्रदेश में 1.5 लाख और जनसेवा केंद्र खोले जाएंगे। फिलहाल एक ग्राम पंचायत में एक जनसेवा केंद्र खोला गया है, अब इसकी संख्या बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। वैसे तो प्रति 10,000 आबादी पर एक जनसेवा केंद्र होता है। शासन अगले कुछ दिनों में जनसेवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर युवा उद्यमियों को रोजगार और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कवायद की जा रही है। वहीं जनसेवा केंद्र की संख्या बढ़ने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश से हो रही है, जहां पर अब 1.5 लाख और जनसेवा केंद्र खोले जाएंगे। बीते कुछ दिनों से CSC अपने रेट बढ़ा दिया है, इससे इस फैसले का असर अब आम लोगों के जीवन पर भी सीधा पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति के बाद जनसेवा केंद्र ने ये पैसे बढ़ाए हैं, लेकिन इस फैसले से गरीब लोगों को ज़्यादा प्रभावित गरीब लोग हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के चलते 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे स्कूल के दिवस, सरकार ने लिया है फैसला। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दिल्ली में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी है। दिल्ली सरकार ने पहले स्कूल बंद करने की अवधि 5 अक्टूबर तक बढ़ाई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से यहाँ पर स्वैच्छिक आधार पर स्कूल बुलाने की अनुमति दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान बच्चों की सेहत को लेकर कोई जोखिम उठाना सही नहीं होगा, इसलिए दिल्ली सरकार ने 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का यहाँ पर फैसला लिया है। इस अवधि में सभी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों के प्राचार्यों को अधिकृत किया गया है कि वे इस अवधि में ऑनलाइन कक्षाओं का सुगम संचालन और शैक्षणिक परीक्षण गतिविधियां और अन्य किसी कार्य से शिक्षकों और स्टाफों के सदस्यों को बुला सकते हैं। वहीं शिक्षा निदेशालय ने भी सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे सभी छात्रों को किसी भी ऑनलाइन गतिविधि की शुरुआत में कोविड-19 के हालात से निपटने के लिए मास्क पहने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और हाथ की साफ सफाई संबंधी संदेश यहाँ पर दिया जाए। वहीं देश भर के विश्वविद्यालय और विद्यालयों में 16 मार्च से ये विद्यालय यहाँ पर बंद है, जब केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस फैलने से रोकने के उपाय के साथ देश भर में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की थी। वहीं केंद्र सरकार ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। नवीनतम अनलॉक दिशा निर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्रों से बाहर की स्थित स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद फिर से खोले जा सकते हैं। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का निर्णय राज्य सरकारों और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर यहाँ पर छोड़ा गया है।